हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करेंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य ने कोरोना विजय रथ अभियान शुरू किया है? विच स्टेट हैज स्टार्टेड द कोरोना विजय रथ कैंपेन? राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने COVID-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाई और मास्क और सैनिटाइजर भी मुफ्त में वितरित किए। कोरोना विजय रथ रायपुर से शुरू हुआ। ये वाहन COVID-19 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने में मदद भी करेंगे और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें इस महामारी को हराने के लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट से 11 और राज्यसभा सीट 5 है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए अपने नए देश के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि टैको कोनिसी को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं आपका इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टैको कोनिसी को भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त किया है। कोनिसी ने केनिची योकोयामा का स्थान लिया, जिन्होंने ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और यह मनीला में ADB मुख्यालय में रहेंगे। महत्वपूर्ण है, आप इसको समझ गए होंगे। और नई दिल्ली में देश के कार्यालय के प्रमुख के रूप में कोनिसी सरकार के साथ ADB संचालन और नीति संवाद का नेतृत्व करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में फुल डिटेल में। इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में और राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजित 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक के दौरान भारत ने किस देश के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि भारत ने अमेरिका के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत और अमेरिका ने रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता को मजबूत करने और सैन्य उपकरणों के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे 15 सितंबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित और 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक के दौरान हस्ताक्षरित किया गया था। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं USA के बारे में फुल डिटेल में। जो कि USA का कैपिटल है Washington DC, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस, अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। और USA की करेंसी है United States Dollar। आप समझ गए होंगे दोस्तों। आपको बता दें, कोई भी कंट्री आपके न्यूज़ में है तो उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट करेंसी से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एक नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मंजूरी दे दी है। इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा और 1264 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसकी भारत सरकार के अनुमोदन की तारीख से 48 महीनों के भीतर पूरी होने की संभावना है। आप ये समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका बिहार राज्य के बारे में फुल डिटेल में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं गवर्नर फागू चौहान। लोकसभा सीटें हैं 40 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। राजकीय पशु है गौर और राज्य पक्षी है घर गौरैया। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा ने इस शैक्षणिक वर्ष से राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों के लिए चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में मौजूदा आरक्षण के भीतर कितने प्रतिशत कोटा को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो कि 7.5% कोटा को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है। बता दें आपको, तमिलनाडु विधानसभा ने इस शैक्षणिक वर्ष से राज्य सरकार के स्कूलों के छात्रों के लिए चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में मौजूदा आरक्षण के भीतर 7.5% कोटा को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। यह राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को पास करने वाले छात्रों के लिए लागू होगा और लगभग एक दशक तक इसने प्रवेश परीक्षा को कहते हुए नहीं होने दिया कि इससे छात्रों में तनाव बढ़ेगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में। इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। लोकसभा सीट से 39 और राज्यसभा सीट 18 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछे जाएं, आप आसानी से इसे प्रश्नों को कर सकें। अगला है, आदित्यपुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वह किस बैंक के MD हैं, जो कि वह HDFC बैंक के MD हैं। कौन? आदित्यपुरी जी। HDFC बैंक के MD आदित्यपुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक ऐसे समय जब ऐसा कोई और संस्थान अस्तित्व में नहीं था, इसमें एक विश्व स्तरीय भारतीय बैंक बनाने के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया। और यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस को 1992 में स्थापित किया गया था और वैश्विक बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह के पहले पुरस्कार थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से आए, आप आसानी से प्रश्नों को कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के अवसर पर किसने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। क्योंकि हिंदी दिवस के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हिंदी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में एक नई इमारत का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। अटल जी एक राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया और देश के प्रति सम्मान व्यक्त किया। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आप इसको समझ गए होंगे। बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 52। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स है 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस 2020 का स्लोगन क्या है, जो कि इसकी थीम है ओजोन फॉर लाइफ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में जो स्लोगन जो थीम पूछा जाता है वो इंग्लिश में ही लिखा होता है। आप ये समझ गए होंगे, ओजोन फॉर लाइफ विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम है। फुल डिटेल में बता दें आपको,
यह दिन ओजोन परत के ह्रास के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2020 का जो स्लोगन है थीम ओजोन फॉर लाइफ है। इस वर्ष हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष का जश्न मना रहे हैं और यह 1987 की उस तिथि का स्मरण करता है जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर पर हस्ताक्षर किए गए थे। आप भी समझ गए होंगे। आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सभी राज्य अस्पतालों में सीटी स्कैन परीक्षण कराने के लिए शुल्क तय करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ये 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने सभी राज्य अस्पतालों में सीटी स्कैन परीक्षण कराने के लिए शुल्क तय करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। विभिन्न अस्पतालों द्वारा ओवरचार्जिंग के बारे में कई शिकायतों के बाद सरकार ने एक समिति गठित करने का फैसला किया है जो इन परीक्षणों के लिए मूल्य निर्धारण की सिफारिश करेगी। समिति की अध्यक्षता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के CEO डॉक्टर सुधाकर सिंधे करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जैसा कि हम हमेशा की तरह करते आए हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है मुंबई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी हैं। लोकसभा सीट्स है 48 और राज्यसभा सीट्स 19 है। आप इसको समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले SSC रेलवे और अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों के कितने संकाय सदस्यों को पहले AICTE विश्व श्रेया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं? जो कि इसने 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पहले AICTE विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं। उन्हें 15 सितंबर 2020 को इंजीनियर्स डे पर सम्मानित किया गया और विश्वेश्वरैया भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरों और राजनेताओं में से एक थे जिन्हें उनके अपरिहार्य योगदान के लिए 1955 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। द डॉन ऑफ अ न्यू मिडिल ईस्ट की घोषणा करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच ऐतिहासिक राजनयिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और द्विपक्षीय समझौते में ईरान और क्षेत्र में उसकी आक्रामकता के लिए आम विरोध के अनुरूप दोनों अरब देशों के साथ यहूदी राज्य के पहले से ही विघटित संबंधों के सामान्यीकरण को औपचारिक रूप से दिया गया है। आप ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। बात करते हैं इसराइल के बारे में फुल डिटेल में। इसराइल एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है मेडिटेरियन सी पर और यह रिगार्डेड है बाय ज्यूस क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स एज द बिब्लिकल होली लैंड और यहाँ पे जो है मोस्ट सेक्रेड साइट्स है जेरूसलेम में और कैपिटल है इसराइल की जेरूसलेम। प्रेसिडेंट है रूवेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं और करेंसी है इसराइल की न्यू शेकल। आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहाँ छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया आधारित मानकीकृत और मापनीय कैरियर शिक्षा मंच का उद्घाटन किया है? जो कि यह उद्घाटन किया गया है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 15 सितंबर 2020 को श्रीनगर में छात्रों के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया आधारित मानकीकृत और मापनीय कैरियर शिक्षा मंच का उद्घाटन किया। प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन के साथ साझेदारी में जम्मू कश्मीर सरकार की कैरियर शिक्षा पहल के तहत है और पहले चरण में
गांदरबल और उधमपुर जिलों में छात्रों के लिए अनूठी पहल को लागू किया जाएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। फुल डिटेल में, यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी और हाईकोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ सभी टॉप लेवल के होते हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए 2 अक्टूबर 2020 से मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों जैसे चिप्स, अचार, जैम आदि का उत्पादन शुरू करने के लिए एक नई ऋण योजना लागू करेगा, और इस नई ऋण योजना को लागू करने वाला जो बैंक है नाबार्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड एक नई ऋण योजना लागू करेगा। यह महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए 2 अक्टूबर 2020 से मूल्य वर्धित खाद्य उत्पादों जैसे चिप्स, अचार, जैम आदि का उत्पादन शुरू करने के लिए होगी। और तमिलनाडु के विरुधुनगर में नाबार्ड के अध्यक्ष जी आर चिंथला ने इसकी घोषणा की है। आप ये समझ गए होंगे। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं जी आर चिंथला जी, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसने ई लर्निंग पायलट परियोजना शुरू की है? Who has started the e-learning pilot project? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं, और मैं इसका आंसर आपको आपके नेक्स्ट सेशन में दूंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।